दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। क्या एक ही मैट्रेस अलग अलग बंदे को अलग अलग फील दे सकता है? आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम मैट्रेस परचेस करने जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास यहाँ पे हमने एक मैट्रेस रखा है जिसका अगर फील देखे तो मीडियम सॉफ्ट फील है। देखिए अगर इसका फील देखे तो ये मीडियम सॉफ्ट मैट्रेस हमने यहाँ पे रखा है। एक एवरेज वेट वाले पर्सन को ये जो फील है ये मीडियम सॉफ्ट फील देने वाला है। दोस्तों हमारे साथ तीन बंदे हैं, तीनों का वेट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दिलीप जी है, दिलीप जी का वेट 100 kg है। दूसरे आशीष जी है, आशीष जी का वेट ऑलमोस्ट 50 to 51 kg के आसपास है। और हमारे साथ भार्गव जी है जिसका वेट ऑलमोस्ट 70 kg के आसपास है। तो तीनों वेट ग्रुप के पर्सन हमारे साथ है। तीनों बंदे टर्न बाय टर्न इस मैट्रेस के ऊपर सोने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैट्रेस का फील उसको कैसा लगा है। दोस्तों सबसे पहले दिलीप जी जिसका वेट 100 kg है वो ट्राई करेंगे मैट्रेस को। आइए दिलीप जी। आराम से सोना है जैसे घर पे सोते हैं ना उसी तरीके से। कैसा लग रहा है फील दिलीप जी आपको इस मैट्रेस का? इस मैट्रेस का फील थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है। मतलब थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है या ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है? वेट के हिसाब से तो ज्यादा ज्यादा लग रहा है। मतलब आपके लिए ये मैट्रेस कंफर्टेबल रहेगा? नहीं, थोड़ा फॉर्म फील वाला मैट्रेस चाहिए। मतलब थोड़ा फॉर्मनेस वाला मैट्रेस चाहिए। देखिए 100 kg वेट है दिलीप जी का, उसने ये मैट्रेस ट्राई किया है, उसको ये मैट्रेस का जो फील है वो सॉफ्ट लगा है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट लगा है। और वो बता रहे हैं कि मेरे लिए ये मैट्रेस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मुझे थोड़ा फॉर्मनेस वाला मैट्रेस चाहिए। दोस्तों अब सेकंड पर्सन जिसका नाम है भार्गव जी, जिसका वेट 70 kg है, वो मैट्रेस को ट्राई करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आइए भार्गव जी। जैसे घर पे सोते हैं उसी तरीके से सोना है, शर्माना नहीं है, ठीक है? भार्गव जी कैसा लग रहा है इसका फील आपको? मुझे गद्दा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गद्दा है मीडियम सॉफ्ट लग रहा है। ओके, तो मतलब कंफर्टेबल लग रहा है, वापस सो के देखना है तो देख लीजिए। फील खास तौर पे इसका फील कैसा लगा आपको? फील आपको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सॉफ्ट लगा, मीडियम सॉफ्ट लगा या तो फिर हार्ड लगा? गद्दे में कंफर्टेबल लगा। मतलब सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट और हार्ड? मीडियम सॉफ्ट। मीडियम सॉफ्ट लगा। ओके, मतलब आपको ये मैट्रेस पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये भार्गव जी थे, 70 kg वेट था, इसको ये मैट्रेस मीडियम सॉफ्ट लगा है और उसको ये मैट्रेस मतलब कंफर्टेबल लग रहा है। दोस्तों अब आशीष जी ट्राई करने वाले हैं इस मैट्रेस को, जिसका वेट 50 kg है। आइए आशीष जी। आराम से जैसे घर पे सोते हैं उसी तरीके से सोना। और जो भी जेन्युइन आपको जो भी फील लग रहा है वो आपको बताना है। आशीष जी कैसा लगा यह मैट्रेस? ये है ना, मेरे को फर्म फील लग रहा है, जैसे कि बॉडी मेरी ऊपर की सरफेस पे ही सिंक हो रही है। थोड़ा बहुत हार्ड फील लग रहा है इसका। मतलब बॉडी इसके अंदर सिंक नहीं हो रही है? यस, बेसिकली इससे थोड़ा मीडियम फॉर्म वाला होगा ना तो मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। ये थोड़ा बहुत मेरे को फर्म फील लग रहा है। ओके, मतलब आपको इससे थोड़ा सॉफ्ट फील चाहिए? यस डेफिनेटली, ठीक है। दोस्तों आपने देखा हमने तीनों बंदे पे ये ट्राई किया है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो कि हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया है। इसमें जो भी तीनों बंदे थे उसने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले उसको बोल दिया था कि इसके ऊपर आपको सॉफ्ट बोलना है या मीडियम सॉफ्ट बोलना है। तीनों ने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद। दोस्तों ये एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि जब आप अपने लिए मैट्रेस देखने जाते हो, अपने फैमिली के लिए मैट्रेस देखने जाते हो, तो होता क्या है आम तौर पे अगर देखें तो, अगर घर के अंदर 4 रूम आते हैं, चाइल्ड रूम है, मास्टर रूम है, गेस्ट रूम है या तो फिर पेरेंट्स रूम है, अगर एक बंदा मैट्रेस लेने जा रहा है, मास्टर रूम वाला बंदा फॉर एग्जाम्पल, वो मैट्रेस लेने जा रहा है, उसका वेट 70 kg है और स्टोर के अंदर एंटर होता है और बोलता है मुझे 4 मैट्रेस चाहिए, एक मैट्रेस पेरेंट्स के लिए चाहिए, एक मेरे लिए, एक बच्चों के लिए और एक गेस्ट रूम के लिए चाहिए, तो ऑब्वियस है सबसे पहले वो बंदा कहता है कि हमें चारों रूम में एक जैसे मैट्रेस रखने हैं।
फिर वो करता क्या है, अपने वेट के हिसाब से मैट्रेस के ऊपर सोता है, मैट्रेस का फील जज करता है कि मुझे ये मैट्रेस मीडियम सॉफ्ट लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। मगर उसके पेरेंट्स का वेट हो सकता है 80 केजी भी हो, 90 केजी भी हो सकता हो, 50 केजी भी हो। बच्चों का भी सेम, बच्चों का वेट भी आजकल छोटी उम्र में भी ज़्यादा वेट हो जाता है, फिर कम वेट अंडर वेट पर्सन भी बच्चे होते हैं। तो अगर एक बंदा मैट्रेस के ऊपर सो के सारे फैमिली के लिए अगर मैट्रेस सिलेक्ट करता है तो वो मैट्रेस 100% कंफर्टेबल नहीं रहने वाले हैं दोस्तों। चांसेस रहेंगे कि खुद को तो मैट्रेस अच्छा लगेगा, मगर जिस बंदे ने अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मैट्रेस सिलेक्ट किया है, उन लोगों को वो मैट्रेस कंफर्टेबल ना लगे। क्योंकि 70 केजी वेट वाले बंदे को ये मैट्रेस मीडियम सॉफ्ट लग रहा है, सेम मैट्रेस अगर पेरेंट्स का वेट 80 केजी या 90 या 100 केजी है तो उसको यह मैट्रेस सॉफ्ट लगेगा। अगर बच्चों का जो वेट है वो 50 केजी है तो उसको मैट्रेस का जो फील है वो फॉर्म लगेगा। तो दोस्तों जब भी आप मैट्रेस परचेस करने का प्लान करो तो जिसको यूज़ करना है, जिन लोगों को मैट्रेस यूज़ करना है, उन सभी को अपने साथ स्टोर पे लेके जाओ। सभी पर्सन को बोलो कि आप मैट्रेस के ऊपर सो के देखिए और अपने लिए अपने खुद का मैट्रेस सिलेक्ट करें। दोस्तों ये प्रैक्टिकल डेमो था, फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।